हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल यम मम्स किचन में। तो कैसे हैं आप सभी, जरूर अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे निवेदन है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर मिल सके। तो चलिए, आज हम गाय के दूध से मावा बनाएंगे। तो बिल्कुल कम दूध में भी ढेर सारा मावा कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो हम 1.5 लीटर दूध ले लिए हैं, फुल फैट क्रीम का है, गाय का दूध है। तो हम पहले भी उबाल लिए थे इसको, थोड़ा देर पहले उबाल के हम रखे थे, उसी को हम चढ़ाएंगे गैस पे। अब गैस पे इसको चढ़ा दिए, गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। दूध में उबाल आ गया, तब इसको हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो नीचे भी लग जाएगा। अगर आपको कोई काम भी गैस पे दूसरा जगह करना है तो दूसरा साइड आप काम भी कर सकते हैं। इसको आराम से पकने दीजिए, थोड़ा सा फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको इसको आराम से पकने देना है, क्योंकि इसमें 20 से 30 मिनट तक लगेगा पूरा प्रोसेस। तो इसको चलाते रहिए, और दूसरा आप काम कुछ हो तो कर सकते हैं दूसरा साइड में। तो देखिए, धीरे धीरे मेरा 20 मिनट हो गया था, तो दूध इतना कम हो गया। इसका किनार किनार का भी हम छुड़ाते रहेंगे इसी तरह से, बिल्कुल आधा हो गया, आधा से भी कम हो गया, बिल्कुल अब गाढ़ा हो गया। तब इसको फिर से हम चलाते रहेंगे, इस समय छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे जलने का चांस है। तो अगर इस समय छोड़ दीजिएगा तो नीचे जल भी सकता है, तो इसलिए चलाते रहिएगा। जब भी मावा बनाने का हो तो मोटे तले का बर्तन लीजिएगा, पतले वाला से क्या होगा जे लास्ट में जलने लगता है। अब इसको चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, जब तक कि ये अच्छे से डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, मावा बना के रख लीजिए स्टोर करके। तो अभी कुछ दीपावली आ रही है, तो कुछ भी बनाने का मिठाई मन हो तो आप, जब भी आपके पास दूध घर में हो तो मिठाई बनाने के लिए रख सकते हैं मावा पहले से ही बना के। तो जब घर में दूध अगर ज़्यादा बच जाए तो इस तरह से आप सिंपल तरीके से बिल्कुल मावा बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मेहनत कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से आपको घर में शुद्ध से आप मावा बना सकते हैं। मार्केट से लेने जाएंगे तो क्या क्या मिक्स करके बनाता है, तो शुद्ध नहीं रहता है। तो इसलिए आप घर में बिल्कुल आराम से अच्छे से बना के मावा रख सकते हैं, और दीपावली में आराम से मिठाइयाँ बना सकते हैं। लीजिए, डो फॉर्म में आ गया, तो बिल्कुल अब तैयार हो गया। तो इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं 1.5 लीटर में कितना सारा बन के तैयार हुआ है, इसे ढेर सारा मिठाई बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।